तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के जो आपका पेपर था उसके रिव्यू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पेपर आपका हो चुका है, पेपर काफ़ी बेहतरीन था, कोई दिक्कत परेशानी वाली उसमें बात नहीं थी। और सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन नंबर वन की बात करूं तो उसमें सबसे पहला हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का डायग्राम आपको बनाना था, उसको प्रूफ करना था, जो कि आपका 7 मार्क्स का था। तो यहां से आपको 7 मार्क्स ऑलमोस्ट मिल चुके हैं। और साथ ही साथ जो आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है वो भी मैंने अपने नोट्स के अंदर बताया था। अगर आपने नोट्स को भी अच्छी तरीके से परचेस किया होगा और उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो यहां से 14 मार्क्स आपके क्या हो गए, फिक्स हो गए। या फिर अगर आप चैनल पर बने रहे होंगे तो चैनल पर भी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड हैं फिजिक्स के रिगार्डिंग, तो वहाँ से आप इन दोनों टॉपिक को ईजिली कर सकते थे। तो 14 नंबर यहाँ से आपका फिक्स हो गया, 14 नंबर हो गया फिक्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका श्रोडिंगर जो आपका मच सेंडर्स जो आपका इक्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना था, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे नोट्स के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ से आपका 7 मार्क्स हो गया, यानी कितने नंबर हो गए आपके, 21 मार्क्स यहाँ से आपका हो गया, जो कि डायरेक्टली आया हुआ है, कोई इसमें रिपीटेशन वगैरह नहीं है। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका रे लाइट का जो क्रिएशंस होता है रिजोल्यूशन का, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, लेकिन जो पीएन जंक्शन डायोड है ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके मैंने नोट्स में अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर रखा है। तो 7 मार्क्स यहाँ से हो गए, यानी 20 मार्क्स वो ये आपका कितना हो गया, 28 मार्क्स यहाँ पे हो गए। आप पासिंग मार्क्स को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, बेहतर नंबर आपका यहाँ से गेन हो सकता है। अगर मैं और भी आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे आप देखिए श्रोडिंगर जो इक्वेशन होता है इसमें भी पूछा गया है 3 के B पार्ट में। और उसके बाद आपका ऑप्टिकल फाइबर, जी हाँ दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर पूछा गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, और ये भी मैंने बता रखा है अपने चैनल पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ से आपके लगभग 32-35 मार्क्स के नंबर यहाँ से क्लियर हो गए 4 ही क्वेश्चन में। उसके बाद आपका CO2 लेज़र, जिसमें हमने बताया था हीलियम नियॉन लेज़र क्या होता है, CO2 लेज़र क्या होता है, ये सारे लेज़र मैंने बताए थे। तो उसमें भी आपको अगर आपने पढ़ा होगा नोट्स को अच्छी तरीके से तो CO2 लेज़र को आप बेहतर कर सकते हैं, यानी ओवरऑल इतना क्वेश्चन तो है कि आप बेहतर स्कोर यानी 50+ स्कोर एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाया तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये कमी है कि आप उन चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, उसके बाद फ्रेंड आपका जेनर डायोड आया हुआ है, न्यूटन्स रिंग आया हुआ है, और साथ ही साथ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो आया हुआ है, सोलर सेल आया हुआ है, यानी 14 मार्क्स का नंबर यहाँ से आपका। फ्रेंड यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, कोई इसमें हाई लेवल वाली बात नहीं है, इसमें आप इजीली कर सकते थे। अगर आपका पेपर बेहतर गया होगा तो कमेंट के ज़रूर बताइएगा फ्रेंड कि हमारा नोट्स कितना हेल्पफुल था आपके लिए, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले एग्जामिनेशन में भी बेहतर से बेहतर आप स्कोर कर सकें। और जो कंटिन्यूटी का होता है वो एक्सप्रेशन आपको प्रूफ करने का आया है, साथ ही साथ जो इंटेंसिटी होता है, हो सकता है कि लास्ट के 1-2 क्वेश्चन आपसे ना बने, लेकिन उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि आपने पासिंग मार्क्स को ऑलरेडी क्लियर कर चुका है। उसके बाद आपका हाफ जो इफेक्ट होता है हॉल इफेक्ट उसको बताया गया है, और मूवमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं उसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है अपने नोट्स के अंदर। 5 यूनिट के जो नोट्स प्रोवाइड कराए गए थे उसमें आप इन चीज़ों को मैच करके देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल मिल जाएंगी। उसके बाद आपका फ्रेंड यंग्स डबल जो स्लाइड एक्सपेरिमेंट होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ यहाँ से लगभग आपके मान के चलिए अगर आपने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन किया होगा ना तो आपको मान के चलिए कि 50+ नंबर आपके आ सकते हैं इसी पेपर के अकॉर्डिंग। पेपर के लेवल को देखा जाए, कोई घुमाने फिराने वाली ज़्यादा बात नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप आपने बेहतर से बेहतर स्कोर किया होगा, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो सीरीज़ हमारा जो चैनल है कितना हेल्पफुल है, और मैं उम्मीद करूंगा कि और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक प्रोवाइड करूँ। और अपने सपोर्ट के इसी तरह बनाए रखिए फ्रेंड्स, मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।